इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। डंडेरा गांव में दो दिन तक चला जेसीबी का पंजा, अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत 8 घरों को तोड़ा, कच्चे पक्के चबूतरे और मकानों गैराज को भी तोड़कर हटाया। अतिक्रमणकारियों में मची हड़कंप, राजस्व महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों और ग्रामीण की शिकायत पर नायब तहसीलदार दिलीप कुमार द्विवेदी के निर्देश पर पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों पटवारियों के सहयोग से तहसील रायसेन के डंडेरा गांव में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अतिक्रमण अभियान लगातार 3 दिनों तक चलाया गया, जिसमें जेसीबी के पंजे से कच्चे पक्के लगभग 12 मकान चबूतरे और खलियान और बागड़ों को तोड़कर आने जाने में बाधा बने अतिक्रमण को हटाया गया। ग्रामीणों ने ये आरोप लगाया कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पुलिस की मदद से दबाव बनाकर हमारे पट्टे शुदा और नजूल के रिकॉर्ड के होने के बावजूद बताते हुए उनके पक्के मकान और पीएम आवास योजना के मकान जेसीबी की मदद से धराशायी कर दिए गए, जबकि सरकारी जमीनों पर आज भी कई दबंगों व मकान रास्ते किनारे खड़े हुए हैं। आखिर उनको क्यों नहीं तोड़ा गया? अतिक्रमण हटाने में पूरी तरह से हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, जबकि विभाग के अधिकारी सफाई देते हुए बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हमने रास्ते के अतिक्रमण के जद में आए खेत खलियान और मकानों की बाउंड्री सहित कच्चे पक्के मकान तोड़े गए हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ग्रामीणों और सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत पहुंची थी, तभी राजस्व महकमे के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर हमने अतिक्रमण तोड़ने की यह कार्रवाई की है। सांचेत टप्पा के नायब तहसीलदार दिलीप कुमार द्विवेदी का कहना है कि तहसील रायसेन के डंडेरा गांव में शनिवार सोमवार को 6 मकानों को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया। इसमें कच्चे पक्के चबूतरे, गैरेज सहित खेत खलियानों के किनारे हरे भरे फलदार पेड़ और बागड़ तोड़कर अतिक्रमण हटाया। इस अतिक्रमण में बाधा बन रहे और विरोध प्रदर्शन कर रहे सतपाल सिंह लोधी और जीवन सिंह लोधी को पुलिस की मदद से गाड़ी से थाना कोतवाली भिजवाया गया। इसके पूर्व डंडेरा गांव घाटी पर बने गरीबों के 7 कच्चे पक्के मकान भी तोड़े गए हैं। अतिक्रमण हटाए जाने के बाद लगभग 20 फीट का रास्ता हो गया है, जिससे राहगीरों व वाहनों का आवागमन सुचारू हो गया है। भेदभावपूर्ण तोड़ा और हटाया गया अतिक्रमण। ग्राम डंडेरा के निवासी रविशंकर लोधी, लखपत सिंह लोधी, महाराम लोधी, बुजुर्ग मोतीबाई, मालविया राज लोधी और हिम्मत सिंह प्रजापति आरोप लगाते हुए ये कहा कि नायब तहसीलदार ने लोगों के झूठी शिकायत पर हमारे कच्चे पक्के मकान चबूतरे और बागड़ को तोड़कर परेशान किया है। इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, कलेक्टर अरविंद दुबे से की जाएगी। सरकारी जमीनों पर दबंगों ने आज भी अतिक्रमण कर पक्के मकान बनाए हैं, जबकि हम गरीबों के बेवजह पीएम आवास सहित पक्के मकानों को जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ डाले। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सौतेला पूर्ण व्यवहार किया गया है। डंडेरा गांव के निवासी हिम्मत सिंह प्रजापति का कहना है कि 7-2 रकबा 30x30 के साइज में बना पक्का मकान अतिक्रमण विरोधी अमले ने तोड़ दिया है, जबकि उसके पास राजस्व और नजूल का रिकॉर्ड भी मौजूद है। रजिस्ट्री बताने के बाद भी एक जेसीबी मशीन से मकान ढहा दिया। अतिक्रमण बताकर पट्टे और नजूल की जमीन होने के बाद भी दलित आदिवासियों के मकान तोड़ने की कार्रवाई की गयी, जहां एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा जहां जगह मिले वहां मकान बनाकर रहने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कड़ाके के सर्दी में नायब तहसीलदार दिलीप द्विवेदी उनको बेघर कर दिया है, जिससे उनके परिवार को खाना पीना और रहना दुश्वार हो गया है। सीएम के आदेश पर भारी पड़ रहे नायब तहसीलदार दिलीप द्विवेदी विधवा महिला का छलका दर्द। चंद्रा गांव के विधवा महिला बड़ी भाई मालविया का दर्द छलक उठा। उसने बताया कि परिवार का मुखिया की मौत हो चुकी है, उनके तीनों मकान तोड़े जाने से कड़ाके की सर्दी में बेघर हो गई हैं। उनके साथ उनकी बुजुर्ग सास भी रहती हैं और 3 मासूम छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मेहनत मजदूरी करके घर का बमुश्किल गुजारा करती हैं। अतिक्रमण विरोधी अमले ने उनको भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी बोल रहे थे अभी तो और मकान तोड़े जाएंगे। इंडियन टीवी न्यूज से उपेंद्र कुमार गौतम की रिपोर्ट। अभी ये डंडेरा का अतिक्रमण का क्या मामला है? ग्राम डंडेरा में वर्ष 2019 से बहुत सारी शिकायतें चल रही थी कि एक रास्ता है जिसे कुछ लोगों ने निर्माण करके, लगभग 43 लोगों ने निर्माण करके, कुछ लोगों ने बागड़ लगा करके
और कुछ लोगों ने पक्का निर्माण करके उस रास्ते को बहुत पतला कर दिया है। तो किसान जब खेती के लिए ट्रैक्टर आदि लेकर के जाते थे तो उनके एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती थी, तो उनको नोटिस जारी किया और उनके अतिक्रमण को हटाया गया। तो करीब अब कितना चौड़ा रास्ता हो गया अतिक्रमण हटने के बाद? 20 फीट चौड़ा रास्ता हो गया है, जिससे दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी। बीच में कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ भी पलट गई थी, तो उससे लोगों को इजाद मिलेगी और दुर्घटनाएं होने की संभावना कम हो जाएगी। क्या नाम लिखते हैं? दिलीप कुमार द्विवेदी, नायब तहसील। मेरा गांव में आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही प्रशासन द्वारा, कैसी चल रही है? हाँ साहब, वो तो दो बत्ती चल रही साहब। कुछ लोगों को टूट गया मकान, कुछ लोगों ने पैसा दे दिया बिना, टूट नहीं रहा मकान। कुछ लोगों को सरकारी जगह, सरकारी जगह है, टूटे नियम से टूटने चाहिए। और का भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। वो तो क्या नाम है आपका? राम स्वरूप लोधी। आपका आपका मकान भी तोड़ दिया है? तोड़ दिया है। तो क्या वो पट्टे का था? पट्टे का था, उनने बनाया था, पटवारी तहसीलदार ने। तहसीलदार ने बनाया था। हाँ, तो कितने डेसिमल में बना था आपका मकान? 600 स्क्वायर फीट का। पूरी दीवारें वगैरह सब तोड़ दी? तोड़ दिया। क्या नाम है आपका? सुरेश नारायण। सुरेश नारायण तो कछु भी नहीं है। आपके घर में मुखिया है? नहीं, मुखिया नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 लड़का आएंगे, छोटे छोटे। कितने मकान तोड़ दिए आपके? हमारे जो ही तोड़दा, एक वो तोड़दा और एक जो तोड़दा। 3 मकान? हाँ, 2-3 मकान तोड़दा। गुजारा कैसे होता आपका? कच्चू नहीं, मेहनत मजूरी। एक भरोसे कोई पटेल कोई गांव में लग जाता मेहनत मजूरी तो कर लेता, नहीं बस बैठे हाथ पे। नायब तहसीलदार क्या बोले अभी दोबारा? कर रहे हैं बस, कुछ नहीं कर लगे, वो टूटे। बेघर हो गए? बेघर हो गए अब तो। क्या नाम है आपका? बड़ी भाई। पूरा नाम बताओ। बड़ी भाई मालवी। इंडियन टीवी न्यूज़, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।